नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उत्तराखंड की दास्तान की पूरी टीम बहुत उत्साहित है। जो प्रतिक्रिया हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है, और मुझे खुद भी बहुत मज़ा आ रहा है इस शो को होस्ट करने में। हर सप्ताह एक अलग पर्सनालिटी से मिलने का मुझे मौका मिलता है। कुछ को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कुछ लोगों से पहली बार मुलाकात होती है, और उनके संघर्ष की कहानी, कैसे वो संघर्ष करके उन्होंने जीवन में एक मुकाम हासिल किया, ये सब जानने में जितना मज़ा मुझे आ रहा है, आई एम श्योर कि दर्शक भी उतने ही उत्साहित होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है, उनको भी एक प्रेरणा मिलती होगी कि हम भी कुछ जीवन में कुछ मीनिंगफुल करें, और ऐसा करें कि हम भी ऐसा कुछ मुकाम हासिल कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ, वो उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान से जुड़े हैं, युवा हैं, जोश से भरपूर हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनकी जो एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद मैथमेटिक्स में उन्होंने पीएचडी किया, और ज़िंदगी की मैथमेटिक्स ने उनको इतनी भारी भरकम जिम्मेदारियाँ उनको दी हैं, जिनका वो बखूबी पालन कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। आइए आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं स्वामीराम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री विजय धस्माना का। धस्माना जी, आपका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके सामने बैठकर, आपसे इतना पुराना परिचय है। आपके चाइल्डहुड डेज कैसे बीते? देखिए, चाइल्डहुड की जहाँ तक बात है, मेरा जन्म सतपुली पौड़ी गढ़वाल में, उससे 22 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गाँव है तोली, वहाँ मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं हुई, उसके बाद की शिक्षा ऋषिकेश में हुई। जो मेरा प्रारंभिक जो बचपन रहा है, वो मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बीता है, और वहीं मेरा जो है लालन पालन वहाँ पर किया गया, वहाँ मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी ली। तो स्कूल कैसे जाते थे आप? स्कूल पैदल जाते थे। उस समय तो हमारे रोड भी नहीं थी, बिजली नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे, पहले जाते थे स्कूल। अगर आज के समय की बात करें, तो जिस तरह से पब्लिक स्कूल्स का क्रेज़ है, लोग शहरों में अपने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो आप कहाँ कहीं ये मिस करते हैं कि आपके बचपन में कोई मिसिंग एलिमेंट रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ जो मेरा सौभाग्य रहा, मेरे उस समय दादाजी शरीर में थे, तो मेरी इनिशियल पढ़ाई उन्होंने कराई, चाहे हिंदी की वर्णमाला हो, मैथमेटिक्स का गुणा भाग जोड़ घटाव हो, पहाड़े याद करने हों, तो मेरे दादाजी मुझे बैठ के खुद कराते थे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि पब्लिक स्कूल में पढ़ के जो है कुछ बहुत बढ़िया किया जा सकता है। अगर आपको अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, आपको अच्छी शिक्षा किसी भी स्कूल में है, और आपके अंदर हुनर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है, मतलब मैं नहीं मानता कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। आजकल तो न्यूक्लियर परिवारों का चलन बढ़ गया है शहरों में। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े होंगे, तो आपके परिवार में और कौन कौन थे आपके बचपन के समय? बचपन में मेरा छोटा भाई था, एक बहन तो बहुत बाद में हुई थी, तो बचपन में छोटा भाई और मैं थे, माँ थी, दादाजी थे, दादी पहले चली गई थी। आपके इंट्रोडक्शन में मैं एक बात बोलना भूल गया कि आप समाज सेवा से भी बहुत एक्टिव तौर पर जुड़े हुए हैं, और पहाड़ का पिछड़ापन भी आपने अच्छे से देखा है। आपको सबसे ज़्यादा किसने प्रेरित किया आपके जीवन में? देखिए, मुझे मैं जब एनालाइज करता हूँ अपने बचपन को, तो बचपन से ही मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट रहा है कि सामूहिक काम किया जाए, समाज के लिए काम किया जाए। जैसे उस समय बचपन में पहाड़ में जब शादियां होती थी, कोई कार्यक्रम होते थे, तो हम बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते थे। तो वो एक शुरू से ही जो है समाज सेवा के प्रति रुझान रहा है, और ये मैं इसको गॉड गिफ्टेड कहूँगा। और उसके बाद फिर गुरु का सानिध्य मिला, तो गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिला, गुरु का बहुत बड़ा ऑरा था, और उनकी प्रेरणा से फिर आज भी मैं समाज से जुड़ा हूँ। आपका जो गांव है तोली, वो मुख्य सड़क मार्ग से कितनी दूर है? जब मैं पैदा हुआ था वहाँ, तो हम सतपुली से 22 किलोमीटर पैदल जाते थे। okay. और ये जो रोड आई है हमारे गांव में, ये आई है 1982 में जी। तो उससे पहले तो रोड थी नहीं वही, मतलब तो सतपुली मेन टाउन हुआ करता था, और सतपुली से पैदल मतलब जाना पड़ता था वहाँ। जब आप 24 वर्ष के हुए, तब आपके गाँव में मुख्य सड़क से वो जुड़ा? हाँ, 24 नहीं, उस समय मैं 14 साल का था। अच्छा, ओके। 82 में जो है जी, उस समय वहाँ रोड आई है। ओके, तो आप और क्या गतिविधियाँ होती थी पढ़ाई के अलावा? आप क्या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज? हाँ, बचपन बहुत खेलते थे। मैं तो अपने बच्चों को, हमारे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ आजकल की पीढ़ी को, ये खेलते नहीं है।
वो दूसरे खेल कंप्यूटर पे और मोबाइल पे खेल रहे हैं, हम लोग बहुत खेलते थे, खूब फुटबॉल खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, खेलते बहुत थे हम लोग। नहीं, मैं जब से आप मेरा आपसे परिचय है, मैंने आपको देखा है कि आप हमेशा फिट रहे हैं, फिजिकली आप फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो उसके पीछे क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? इस समय तो अब तो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता हूँ, लेकिन सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज, और उसमें एरोबिक है, योगा एक्सरसाइजेज हैं, और प्राणायाम है, मेडिटेशन है, तो वो कितना हेल्प करती है आपकी फिटनेस जो है आपको जब आप काम करते हैं दिन भर? देखिए, फिटनेस बहुत आवश्यक है, आपका शरीर ये एक मशीन है, और ये मशीन ही अगर आपकी खराब खराब हो जाएगी तो आप कैसे काम करेंगे? तो इस मशीन को फिट करने के लिए आपको अच्छा सही संतुलित खान पान भी रखना पड़ेगा, व्यायाम भी करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है मन आपका संतुलन होना बहुत आवश्यक है। मन में अगर विकार होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के शो में मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, कुछ बातें मैं दिल से कर रहा हूँ, कुछ बातें अभी दिमाग से करूँगा, और जैसे मैंने कहा कि हमारे पुराने परिचय है, पुरानी मित्रता है, तो आपको आज कैसे लग रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ? नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है, मेरा ये मानना है कि इससे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी अगर उसको देखेंगे उस कार्यक्रम को। और आजकल तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो अगर कोई टीवी चैनल में मिस भी कर देंगे तो यूट्यूब पे शायद अवेलेबल होंगे ये, तो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आपके हॉस्पिटल में जो टॉप ऑफ द लाइन जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएँ हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, और आपके यहाँ जो इलाज है वो कितना सुलभ है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है, उसके बारे में भी, क्योंकि लोगों को गलतफहमी रहती है कई बार कि हम यहाँ जा रहे हैं यहाँ इलाज महंगा होगा। नहीं, ऐसा एक्चुअली में जो कॉमन साइकी मरीज की होती है वो एक नेचुरल है कि जब वो एक बड़े अस्पताल में घुसता है अंदर या बड़े अस्पताल का नाम सुनता है तो उनको लगता है कहीं बहुत महंगा तो नहीं है, क्योंकि ये अस्पताल चल रहा है स्वामी राम जी की फिलॉसफी पे, गुरुदेव की फिलॉसफी पे, और उनका ये था कि अफोर्डेबल जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है, वो एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए। तो आज हर तरह का इलाज की सुविधा यहाँ पर मौजूद है, बहुत नॉमिनल रेट पर है, कई चीज़ों के जो हमारे जो उसके जो शुल्क लेते हैं हम, वो CGHS से भी कम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट होते हैं उनके अस्पतालों के लिए, उससे कम है। 30 रुपये का आप पर्चा बनाते हो, जितने मर्जी डॉक्टरों को आप दिखाना चाहो दिखा लीजिए। तो ये भ्रांति है कि बहुत महंगा अस्पताल है, ऐसा नहीं है, बहुत नॉमिनल रेट पे हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ हम इलाज की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जो हमने एक ड्रग स्टोर अपना चला रखा है अंदर, उस ड्रग स्टोर में हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमको कॉस्ट पड़ रही है, हम MRP भी नहीं बेचते, कॉस्ट प्राइस से 10-15% का मार्जिन लेके, ताकि स्टाफ कॉस्ट निकल जाए, उस पे हम दवाई मरीजों को दे रहे हैं। तो बहुत नॉमिनल रेट पे हम लोग यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ इस अस्पताल में आपके स्वामी राम नगर में, चाहे वो केंद्र की बात करें, हम राज्य की बात करें, हर स्तर के मंत्री, विधायक, नेता, सब लोग यहाँ पर आते हैं। बट आपके पिछले कॉन्वोकेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रणब मुखर्जी यहाँ आए, उसको लेके बड़ा उत्साह का माहौल रहा होगा, उनकी विजिट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक महामहिम राष्ट्रपति जी का आने का है, जब शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो स्वामी जी 3-4 बार उनसे मिलने गए, और स्वामी मैं एक बार खुद स्वामी जी के साथ गया था, 23 साल की उम्र मेरी उस समय थी, तो राष्ट्रपति जी से मिलने गए हम, और स्वामी जी चाहते थे कि उस समय राष्ट्रपति यहाँ आए, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि स्वामी जी अभी राष्ट्रपति के कद के हिसाब से कुछ होना चाहिए, मैं आ तो सकता हूँ, मुझे आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के कद का कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। उस समय कोई ऐसी था नहीं कि कोई कॉन्वोकेशन होना हो या कुछ होना हो। फिर स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया, तो मेरे मन में एक टीस थी कि मेरे गुरुदेव चाहते थे कि यहाँ राष्ट्रपति आए, तो उस ओर मैंने काम करना शुरू किया। और ये जब पहला कॉन्वोकेशन था हमारा स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय का, कॉन्वोकेशन पहले भी हुए लेकिन उस समय जब हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे तब कॉन्वोकेशन हुए, तो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था, और फिर मैंने उस तरफ काम करना शुरू किया, और सहयोगी की जो मेरे जानकार लोग थे उनके सहयोग से महामहिम राष्ट्रपति जी आए, और बड़ा उत्साह और माहौल सब के दिल में था, सब बच्चों को था, जो पहले जो फर्स्ट ग्रेजुएट हमारे यहाँ कॉलेज के थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, उसमें MBA के बच्चे थे, तो सबके अंदर उत्साह था, सब लोगों ने मिलजुल के उस कार्यक्रम को सफल बनाया, सब लोग बहुत उत्साहित थे, एक बहुत बड़ा इवेंट था
हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में तो उनके कार्यक्रम से बहुत सी प्रेरणा बच्चों को मिली। राष्ट्रपति जी बच्चों को जब मैंने बताया कि भाई इस उम्र में भी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, तो सारे बच्चे चौंक गए। तो एक प्रेरणा के रूप में राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया गया था, और बहुत कुछ मुझे लगता है उन बच्चों ने जिनको अवार्ड मिला था, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो स्टाफ है, निश्चित रूप से उनको जो है एक प्रेरणा राष्ट्रपति जी से मिली होगी। आप कैंपस में ही रहते हैं अपने परिवार के साथ, और आपकी जो धर्मपत्नी हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिसेज रेनू, और आपके बच्चे भी आपके साथ रहते हैं। अपने परिवार के बारे में कुछ जानकारी दर्शकों को दीजिए। मेरी जो पत्नी हैं उन्होंने MBBS अजमेर से किया था, उसके बाद उनका जो MS है ऑफ्थर्मोलॉजी, आई सर्जन हैं वो, उन्होंने यहीं से किया। उसके बाद एक साल का उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन जो ट्रेनिंग करी वो शंकर नेत्रालय से करी, वो रेटिना सर्जन है यहीं पे। मेरी एक बेटी है जो MBBS कर रही है, बेटा 11वीं में है, सेंट जोसेफ में देहरादून में पढ़ता है। आपके जीवन में जो आपके आध्यात्मिक गुरु रहे और उनका बहुत गहरा प्रभाव आपके जीवन पर रहा, स्वामी राम जी का, और उनकी जो एक टीचिंग रही लव सर्व एंड रिमेंबर, जिसको आप आज भी फॉलो करते हैं, स्वामी जी से आपका कैसे परिचय हुआ और कैसे आपने उनको फॉलो करना शुरू किया? देखिए, स्वामी राम जी के साथ मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुझे अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उनके साथ, उनके सानिध्य में बिताने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। ऋषिकेश आश्रम में 1980 में मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। उस समय मैं 8वीं में था जब उनसे मिला था मैं, तो जब मैं मिला उनको तो उन्होंने मुझे तुरंत अपने गले लगाया और बोला, बेटा मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और मैं समझा नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई पूर्व जन्म का ये कोई रिश्ता होगा हमारा, कि इस संस्थान को चलाने के लिए हम बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये एक ऐसी संस्था है जिसमें परिवार, एक परिवार से दो लोग इस संस्था के अंदर नहीं हैं। तो हमारा पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ रहा होगा जुड़ाव उनसे, कि उनसे मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में समय बिताने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, और उनकी प्रेरणा से ये संस्थान आज भी चल रहा है, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। जो उनका मुख्य उद्देश्य था इस संस्था को बनाने का, उसको हम भूलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इस संस्था की आत्मा उसको मानता हूँ मैं, जो उनकी फिलॉसफी थी लव सर्व रिमेंबर, और उसी फिलॉसफी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी से मेरे पिताजी का भी बहुत अच्छी परिचय रहा, मित्रता रही, और जिन दिनों मैं जर्मनी से, सन 93 की बात है, मैं अपना पत्रकारिता पढ़ के वापस आया था, तो मुझे कुछ दिन मौका मिला उनके साथ रहने का, काम सीखने का, और वो उन दिनों मेरा विवाह भी कराना चाहते थे एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से। वो एक रोचक किस्सा है, वो फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आज जहाँ भी स्वामी जी होंगे और वो देख रहे होंगे, आप जिस तरह से उनके सपने को साकार कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आज ये जॉली ग्रांट में जो स्वामी राम नगर बन चुका है, यहाँ पर अस्पताल है, इतनी बड़ी फैसिलिटी है, उत्तराखंड के अलावा नॉर्थ इंडिया से दूर दूर से लोग अपना यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है इस समय कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कैसे आप उसको निभा पा रहे हैं, आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे हट के पहले कुछ कहूँगा। जहाँ तक शादी कराने की बात है, तो ये स्वामी जी की एक्सपर्टीज़ रही है, और आप ही को नहीं, मुझे भी उन्होंने एक अभिनेत्री से शादी करने के लिए कहा था कि तेरी शादी बेटा इससे करा देता हूँ, तो मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि मुझे नहीं करना है। तो बोले, क्यों नहीं करना है? मैंने कहा, ये तो नाचती है, फिल्मों में डांस करती है, और मुझे भी नचाएगी और मेरे परिवार को भी नचाएगी। तो बड़ी ज़ोर से हंसे। तो ये उनका एक, वो चेक करते रहते थे कि कौन कितने कहाँ पे, कौन कितने उसका धरती पे पैर हैं कि नहीं है। तो आपका निर्णय सही था? मेरा निर्णय सही था। डॉक्टर रेणु आपको नचा रही हैं कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं नचा रही हैं। रेणु को भी जो डॉक्टर स्वामी जी ने चुना, उन्होंने ही जो है, उन्होंने ही रेणु का चयन किया, ढूंढा उन्होंने, और सुखी परिवार मेरा चल रहा है। जहाँ तक हिमालयन इंस्टीट्यूट की बात है, ये सपना उनका था, और मेरा, ये मेरा ही नहीं, हमारे, हम जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये उनकी जीवन की तपस्या का निचोड़ है जॉली ग्रांट। जगह जगह उन्होंने संस्थान बनाए, और अमेरिका में बहुत बड़ा संस्थान है, जर्मनी में है, नेपाल में है, मलेशिया में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, वो सब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं।
लेकिन ये जो हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में बना है, ये उनकी जीवन की तपस्या का निचोड़ है। अंतिम समय में अपना वो यहाँ आए थे और ये प्रण उन्होंने बहुत पहले कर लिया था, जब बचपन में पहाड़ों में घूमते थे अपने गुरुओं के साथ, दूसरे सन्यासियों के साथ। तो पहाड़ में आप लगा लीजिए कि अब आज की डेट पे इतनी विकट समस्या अभी भी है, तो 1932-30s, 1940s क्या हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड क्या सुविधाएं रही होंगी उस समय पहाड़ में, कहीं नहीं थी। तो उन्होंने तभी ये निर्णय ले लिया था। दूसरा जो उन्होंने ये निर्णय अस्पताल ले बनाने का इसलिए भी लिया था कि उनकी मदर ब्लाइंड थी, उस समय कैटरेक्ट हुआ था, ग्लोकोमा हुआ था, कौन सी बीमारी हुई थी, तो उनकी मदर ब्लाइंड थी। तो उसने भी उस उनके जीवन को जो है एक शायद दिशा दी कि मैं हेल्थ के सेक्टर में कुछ काम करूँगा, एजुकेशन के सेक्टर में कुछ काम करूँगा। तो उन्होंने यहाँ बुनियाद रखी, इसको बनाया, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा था 1996 में, उस समय 28 साल का था, तो मुझे ही खुद जो है एक हम तो इमोशनली भी झटका लग गया था, इतना अनुभव ही नहीं था चीज़ों को डील करने का। वो एक बहुत बड़ा शौक हमारे लिए था, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से जो हमारी टीम यहाँ पर है, बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक तो उसमें सभी लोग स्वामी जी के शिष्य लोग हैं, और जो स्वामी जी को अपने तन और मन से पूरा समर्पित हैं, तो सब ने हम लोगों ने मिलकर के ठान लिया था कि नहीं, जो स्वामी जी ने निर्णय लिया है, जिस टीम को भी स्वामी जी ने चुना है, उसको पूरा साथ में रह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिक्कतें आई, बहुत दिक्कतें आई। एक समय ऐसा भी आया था जब तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं था, फरवरी 97 की सैलरी बांटने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने सारा अपना जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम था वो रोक दिया, लोन लिया मार्केट से, पहली बार लोन लिया, और पहला उद्देश्य था कि सबकी तनख्वाह पहले बढ़ जाए, क्योंकि अनरेस्ट स्टाफ में नहीं आना चाहिए। उस समय तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, 10-12 लाख रुपये तनख्वाह थी, लेकिन वो उतना पैसा बांटने के लिए नहीं था। तो हमने कहा नहीं, पहले तनख्वाह हम देंगे। तो 2 महीने कटे, फिर अप्रैल में एक नया बैच आ गया था, तो हमने 1-8 साल अपना डेवलपमेंट पूरा स्टॉप कर दिया था कि उसको न किया जाए, लेकिन तनख्वाह सबको टाइम पे मिल जाए। आपने विदेश भ्रमण बहुत किया है, मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, उसमें करीब 16 कंट्रीज में आप गए हैं, और हम लोग फेसबुक पर भी फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपकी आपको देखता रहता हूँ, आप परिवार के साथ और काम के सिलसिले में आप विदेश जाते रहते हैं। विदेश में जो आपने डेवलपमेंट देखा और जो उत्तराखंड की जो स्थिति है, आप क्या सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्रूव करें? एक्चुअली मैं जब भी विदेश जाता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ वहाँ से। मैं अभी इटली गया था, तो वेनिस में जो कार पार्किंग थी उसकी फ़ोटो खींच के लाया मैं, और मैंने अपने इंजीनियर को दिया, मैंने कहा हम कार पार्क ऐसे क्यों नहीं बना सकते हैं? वेनिस पूरा का पूरा शहर पानी में बसा पड़ा है, वहाँ तो बिल्डिंगों के अंदर सीलन नहीं आती। आप वेनिस छोड़ दीजिए, आप उदयपुर जाइए अगर, तो उदयपुर में जितने भी बड़े बड़े होटल हैं ये बीच तालाब में बने हुए हैं, कब का आर्किटेक्चर बना होगा, उसमें सीलन नहीं है। तो विदेश की यात्रा मैं करता हूँ सीखने के लिए, ठीक है घूमना हो जाता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है बाहर। और उत्तराखंड ही नहीं, मैं समझता हूँ हम तो पूरे भारतवर्ष में बहुत सी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इच्छा शक्ति अगर होगी और दृढ़ इच्छा शक्ति और सही मन से अगर काम करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हम। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, तो इच्छा शक्ति अगर हमारी होगी काम क्यों नहीं हो सकता, और इच्छा शक्ति फिर ऊपर से नीचे तक सब क्यों होनी चाहिए, बीच में एक कड़ी की इच्छा शक्ति नहीं है फिर दिक्कत आ जाएगी। तो माइंड सेट चेंज नहीं होगा जब तक दिक्कत आएगी। ठीक है, आपका जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो छात्र आ रहे हैं, उत्तराखंड को क्या लाभ मिल रहा है उससे? देखिए, जो यूनिवर्सिटी का जब हमारा एक्ट बना था, तो सरकार अपनी उत्तराखंड के एक्ट से यूनिवर्सिटी बन रखी है, तो सरकार उस समय जो भी सरकार थी, हमने उनसे बैठ के इस पर चर्चा करी। हमने कहा भी देखो, हम यूनिवर्सिटी ठीक, आप हमें ऑटोनॉमी दे रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ने ये जो संस्थान बनाया था, इसमें पहला उनका उद्देश्य था कि उत्तराखंड का हित इसमें अहित नहीं होना चाहिए। तो उस एक्ट में जो कानून बन रखा है, उसमें प्रावधान कर रखे हैं कि जितने भी कोर्स यहाँ यूनिवर्सिटी में होंगे, उसमें 40% सीटें उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए, परमानेंट रेजिडेंट उनके लिए, जितनी भी और यूनिवर्सिटियाँ बन रखी हैं, जो और यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं एक्ट से, उनमें कहीं 40% का प्रावधान नहीं है। 2-3 यूनिवर्सिटियाँ जो हमारे साथ बनी थी उसमें प्रावधान है, उसमें 26% का फीस में रिबेट देने का प्रावधान है। जो सी और डी कैटेगरी का स्टाफ है, वो सिर्फ उत्तराखंड के जो मूल जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उनको नौकरियाँ मिल सकती हैं। तो हमारी इच्छा के साथ साथ सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसमें उसका समावेश किया गया है कि उत्तराखंड के हितों की रक्षा की जाए। हिमालयन हॉस्पिटल में आपका जो कैंसर को लेकर जो आप
ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहे हैं मरीजों को, उसकी खास सुविधा उपलब्ध है आपके यहाँ, उसकी कुछ जानकारी आप दीजिए। देखिए, ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा शुरू हुआ, इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं कहूँगा उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। उनकी प्रेरणा से ये संस्थान बना है, और स्वामी जी की तो प्रेरणा थी, उन्होंने भी कुछ हमको पुश किया कि नहीं आप उत्तराखंड में कैंसर के ऊपर कुछ अच्छा काम कीजिए। तो कैंसर इंस्टीट्यूट अभी तक भी एक हमारा उत्तराखंड में यहाँ पर है, और एक हल्द्वानी में है। हल्द्वानी का मुझे नहीं मालूम कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंसर से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इलाज हो रहा है, चाहे उसमें कीमोथेरेपी होनी हो, चाहे रेडियोथेरेपी होनी हो, चाहे न्यूक्लियर मेडिसिन होनी हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना हो, सारा काम यहाँ कैंसर का हो रहा है। और अच्छे सर्जन हमारे पास हैं, अच्छे फिजिशियन हमारे पास हैं, बहुत नॉमिनल रेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, कैंसर में नहीं पूरे अस्पताल में जो है बहुत नॉमिनल रेट पे हम लोग जो है सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो आपका है उसमें कौन कौन सर्जन है? कुछ डॉक्टर सैनी हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और डॉक्टर वर्मा उसमें हैं, और भी लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी जो आपका कॉलेज है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? टोटल यूनिवर्सिटी में इस समय करीब 4,500 के आसपास बच्चे हैं जी। उसमें मेडिकल के भी हैं, नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग हैं, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, डिप्लोमा प्रोग्राम चल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें भी दो नए कोर्स हमने शुरू किए हैं, एक तो होटल मैनेजमेंट का है और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। तो सारे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी काम कर रही है। आपके पास ऐसा कोई डेटाबेस है कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं वो पहाड़ में जाके भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जो यहाँ से बच्चे पास आउट हो रहे हैं उसमें जो शुरू शुरू के बैच हमारे नर्सिंग के पास आउट थे, आज उत्तराखंड के आप दूर दराज के किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे आपको हमारे यहाँ की नर्स मिल जाएगी जिसने हमारे ऐसे पास आउट किया है। ऐसा भी कभी हुआ कि जैसे किसी ने आपका काम करते हुए आपको तंग किया हो और कभी उसको भविष्य में आपकी जरूरत पड़ी हो किसी इलाज के लिए अपने परिवार में और आपके पास आया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? बहुत बार हुआ है। तो आपका क्या व्यवहार रहता है? मैं भूल जाता हूँ वहीं पे, आपने मेरा मदद नहीं करी, मत कीजिए, आप मेरे पास मदद के लिए आएंगे क्योंकि स्वामी राम का दरबार है, आपको मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया, जो 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 मदद हो सकती है वो मिलेगी। बहुत बढ़िया, मैं उसको गांठ नहीं बांध लेता कि मैं गांठ बांध लूँगी, नहीं भैया इसने मेरे को बुरा किया था तो सब कुछ नहीं होगा, नहीं, दरवाजे ही तो दरबार है स्वामी राम जी का, गुरु का स्थान है, जो आपको फायदा उठाना है उठाइए। वेरी गुड, कंटिन्यू द गुड वर्क। आपका मैंने ये भी आपके बारे में, जैसे मैंने कहा कि आप समाज सेवा में भी आप सक्रिय रहते हैं और आप पहाड़ में पैदा हुए, गढ़वाल में पैदा हुए, दिल से दिमाग से आप बिल्कुल इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास कई बार बहुत गरीब लोग आते हैं इलाज के लिए, उनके पास पैसा नहीं होता और वो एक विश्वास, एक भरोसे के साथ आते हैं कि हम अपने किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं मदद मांगने के लिए, उनको कैसे डील करते हैं आप? देखिए, मेरा ही मानना है कि ईश्वर बहुत कम लोगों को मौका देता है कुछ करने का, और अगर ईश्वर ने मौका दिया है तो उसको फिर चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर के निमित्त कर रहे हैं और ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अगर इस फिलॉसफी से आप काम करेंगे तो एक तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी आपको कष्ट नहीं होगा, कभी आपको दुख नहीं होगा कि मेरे से क्या कर दिया है। बहुत लोग आते हैं ऐसे और हम उनकी यथासंभव मदद करते हैं। केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उस केदारनाथ आपदा में कई लोगों को चोटें लगी, कई लोग बीमार हुए, कई लोगों को गंभीर चोटें लगी, वहाँ से हेलीकॉप्टर से मरीजों को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में ला रहे थे, जो हम नज़दीक है, बिल्कुल लगा हुआ है, हमारी एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी, हमारी डॉक्टरों की टीम वहाँ खड़ी थी, हमने जो बेसिक इलाज अगर चाहिए था वहीं कर दिया, नहीं तो उन मरीजों को हम यहाँ लाए। उस आपदा के समय हम लोगों ने लगभग 400 मरीजों को कम्प्लीट फ्री इलाज किया। उस समय जो मुख्यमंत्री थे श्री विजय बहुगुणा जी, उस समय के जो डीएम थे वीवीआर पुरुषोत्तम जी, उन्होंने फ़ोन किए कि आप पैसा ले लीजिए, हमने कहा हम पैसा नहीं लेंगे, ये आपदा आपकी नहीं है, ये उत्तराखंड की आपदा है और हम भी उत्तराखंड के हैं, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम जो आपदा आई है ये हम सब की आपदा है। वो तो आपदा का ऐसा था, उसके बाद भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, रोज़ आते हैं इस तरह के लोग जिनके पास नहीं होता है, वो कहाँ जाएगा? मुख्यमंत्री राहत कोर से कुछ ले आते हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो मदद कर देती हैं तो थोड़ा बहुत जो वहाँ से ले आते हैं, नहीं तो बाकी हम फ्री कर देते हैं। हर साल करीब 8 से 9 करोड़ का हम फ्री इलाज अपने अस्पताल में करते हैं। बहुत बढ़िया, जो गरीबों के लिए होता है। बहुत बढ़िया, 8 से 9 करोड़ का हम इलाज करते हैं। आप ये जेन्युइन व्यक्ति है जो मदद मांगने आया है और ये
दिख जाता। देखिए जब आदमी को लग जाता है कि ये जो है गरीब वाक्य में है कि नहीं है, कुछ लोग फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं उसका, लेकिन फिर हम उसको कर्टेल कर देते हैं। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप हम लोग जो रहे हैं, हर साल 3 करोड़ की हम स्कॉलरशिप बांट रहे हैं गरीब बच्चों में, उसमें पहाड़ के बच्चे भी हैं, 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले भी हैं, कुछ अच्छे कोर्स कर रहे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उसके भी बच्चे हैं। तो उसका हम अगस्त सितंबर में ऐड निकालते हैं, फिर वहाँ के प्रिंसिपलों से पता करते हैं, फिर हमारी टीम जाके वेरीफाई करती है कि वाकई में गरीब बच्चा है कि नहीं है। तो सिस्टम बना रखा है कि फ़ायदा हो सके। अब इतना बड़ा पेड़ लग गया है स्वामी जी के आशीर्वाद से, तो इसका फ़ायदा हर किसी को मिलना चाहिए। मैंने आपके साथ क्रिकेट खेला है, मुझे याद है, और आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अभी भी आप एक्टिव हैं क्रिकेट? क्रिकेट में अब एक्टिव नहीं हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, जो आपके यहाँ कैंपस में, कैंपस में खेल लेता हूँ कभी कभी। आप यूनिवर्सिटी के इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं और आपको जो यूथ है उत्तराखंड का वो एक आइकन के तौर पर देखता है, तो यूथ को आप क्या हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला मैसेज तो ये होगा कि हमको अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, किसी को भी अपनी हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए, हम क्या हैं, कहाँ से आए, किन परिस्थितियों में आए। खाली उत्तराखंड में नहीं, हिंदुस्तान के किस बच्चे को पता है कि हमको आज़ादी कैसे मिली? आज हम आज़ादी के नाम पे जो मर्जी कर देते हैं, जहाँ मर्जी थूक देते हैं, जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक देते हैं, जहाँ मर्जी बदतमीजी कर देते हैं, ये तो आज़ादी नहीं है ना। आज़ादी का मतलब तो ये नहीं है। हम जिम्मेदारी क्या निभा रहे हैं? राउडी क्राउड होके चलता है, आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है। हमारा आज़ादी का मतलब हमारा कर्तव्य क्या है अपनी कंट्री के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। हर आदमी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सरकार करेगी। सरकार क्या है? हम भी सरकार हैं, हम भी तो सरकार का हिस्सा हैं। तो हम लोग क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते कि मैं अपने क्षेत्र में जहाँ भी हूँ, जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जिस मोहल्ले में रह रहा हूँ, क्यों सरकार क्या क्या कर लेगी सरकार, आप बताइए। तो ये हर यूथ को समझना पड़ेगा। देखिए आज़ादी का मतलब हम लोग टोटल भटक गए अब जो वो, और वो हर क्षेत्र में ह्रास आया है, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे यूथ में हो। तो ये आवश्यक है कि उनको रूट पता हो हमारी, हम हैं क्या, हम आज अगर यहाँ पे फ्री सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे कितने लोगों ने कुर्बानी दी होगी, कितनी माँ बहनों ने कुर्बानी दी होगी। आज हम खुले सीना तान के कहीं भी घुस जाते हैं, उसका वो आज़ादी की कीमत पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए हमको। देखिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हम लोग अपने अधिकार को तो जानते हैं, कर्तव्य को नहीं जान रहे हम लोग। हमारी ड्यूटीज़ भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ड्यूटीज़ भी दे रखी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि संविधान ने अधिकार दे रखे हैं, संविधान में कर्तव्य भी दे रखे हैं कि एक नागरिक का कर्तव्य क्या है। उस कर्तव्य का पालन कहाँ करते हैं हम? अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जो है मुझे लगता है कि इस ओर काम करने की आवश्यकता है। मुझे आपसे बात कर आज बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत दिल से आपके साथ शुभकामनाएँ हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जिस जोश के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ आप अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन कर रहे हैं, आगे भी आप करते रहेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट यू। तो दोस्तों आपने सुना, आज हमने बात की स्वामीराम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री विजय धस्माना जी से। मुझे व्यक्तिगत रूप से खूब मज़ा आया इनसे बात करके, आपको भी अच्छा लगा होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें बताते रहिएगा। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।